हेलो एवरीवन, किसी भी पेंटिंग में अगर कलर स्कीम अच्छी हो तो वो पेंटिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। अगर आप पेंटिंग करना पसंद करते हैं या आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं या बिगनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इस वीडियो में मैंने आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स बताए हैं जो आप खुद ट्राई कर सकते हैं और काफ़ी कुछ आप सीख पाएंगे। कलर शेड्स खुद से बनाना और डल कलर्स कैसे बनाते हैं और ब्राइट कलर्स कैसे बनाते हैं, ये सब आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट से सीख पाएंगे। तो सामने आप कुछ पेंटिंग्स देख रहे हैं जिसमें कुछ ब्राइट कलर्स भी हैं, कुछ डल कलर्स हैं, कई तरह के शेड्स हैं इसमें। तो इस तरह के आप अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो आपको चाहिए सिर्फ एक पेपर और वाटर कलर। जैसे कि एक मैं आपको पिछले वीडियो से बता चुकी हूँ कि कैसे कलरिंग करनी है। आप इसमें आप उसी तरह से आप नए नए तरह के आप ट्रायल करिए कि कौन से शेड, दो तरह के शेड मिक्स करने से आप एक नया आप एक शेड बना सकते हैं। तो सिंपली जैसे कि हम जानते हैं कि रेड में हम वाइट मिक्स करते हैं तो पिंक बनता है, लेकिन पिंक में भी हम और क्या मिक्स करें कि हम इसमें अपने अपनी पेंटिंग के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इसमें हम डलनेस बढ़ा सके या ब्राइटनेस बढ़ा सके, क्योंकि डलनेस भी रिक्वायरमेंट्स होती है कई बार पेंटिंग में। हमें दोनों तरह के शेड्स आने चाहिए। जिस तरह से ड्राइंग में लाइंस में कमांड होना ज़रूरी होता है, ऐसे कलरिंग में हमें किस जगह पे किस तरह के शेड डालने हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप एक्रेलिक कलर चूज़ करते हैं अपनी पेंटिंग्स में या ऑयल पेंटिंग या ऑयल मीडियम यूज़ करते हैं या वाटर कलर, स्कीम यही रहेगी। रेड वाइट मिक्स करने से पिंक बनता है, येलो और रेड मिक्स करेंगे तो ऑरेंज बनेगा, वो सब स्कीम सब में रहेगी। लेकिन कितना ऑरेंज कितना पिंक होना चाहिए ये आप जब आप खुद यूज़ करेंगे, आप खुद इसमें आप ट्राई करेंगे तो उसके हिसाब से आपको मालूम पड़ेगा। आप जब भी आप इस तरह के आप अपने कॉपी में आप ट्रायल करें तो आप पेन से या पेंसिल से आप कलर्स के नेम भी लिखिएगा, ताकि आप जब भी आप इसको दोबारा देखें तो आपको याद रहे कि मैंने कि इसमें कौन कौन से कलर्स इसमें आपने मिक्स किए थे। तो इस तरह से जब आप वाइट मिक्स करेंगे या येलो मिक्स करते हैं तो ब्राइटनेस बढ़ती है कलर की, और उसी तरह से जब आप थोड़ा सा ब्लैक या ब्लैक मिक्स करेंगे या कुछ ग्रे मिक्स करते हैं तो ठीक वैसे इसमें डलनेस बढ़ती है। अब डलनेस की हमें कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है पेंटिंग में, आप जब भी आप लैंडस्केप बनाते हैं तो जितनी भी इसमें दूर की चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी हमें डल दिखाई पड़ती हैं। ब्राइटनेस दिखाएंगे तो वो मेन ऑब्जेक्ट है आगे का, वो उसको ओवरपावर कर जाएगा। तो इस तरह के जो लैंडस्केप होते हैं उसमें पीछे की जो बैकग्राउंड होता है उसमें डलनेस की बहुत रिक्वायरमेंट्स होती है। और इसी तरह से जब आप कोई भी आप स्टिल लाइफ बनाए या फिर आप पोर्ट्रेट बनाते हैं तो ब्राइटनेस कोई भी आपकी कोई भी ब्राइट ऑब्जेक्ट तभी उतना ब्राइट लगेगा जब पीछे की जो बैकग्राउंड में डलनेस होगी। अगर आप सेम तरह के आप कॉम्बिनेशन लगा देंगे, सेम तरह के कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो फिर वो बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ता है, ये कंपोजिशन कलर्स का ठीक से बैठता नहीं है। तो डिटेल ना बता के मैं आपको बस इतना बताऊंगी कि जब आप करोगे तो आप इन सब चीज़ों को अपने आप आपको आपकी सेल्फ स्टडी होगी कि कहाँ आपको कितना डलनेस दिखाना है, कितना ब्राइटनेस दिखाना है। तो बहुत कुछ हमें करने से ही आता है। तो अभी इस वीडियो में सिर्फ आपका कलर्स की स्कीम आप खुद से आप अपने जैसा आप चाहते हैं वैसा बना पाए, तो इसके लिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स आप ज़रूर करिएगा। किन्हीं दो कलर्स को आप ले सकते हैं, आप ब्लू और रेड को लीजिए, या अगर आप आपको ब्राउन कलर आपके पास नहीं है तो आप ग्रीन और रेड को मिक्स करके आप ब्राउन का शेड बना सकते हैं। थोड़ा डिफरेंट होगा लेकिन वो ब्राउन आप यूज़ कर सकते हैं, उसका शेड वैसे ही होता है। तो इस तरह से ग्रे में ग्रे के कई शेड्स होते हैं, एक पिंकिश ग्रे भी होता है, ब्लूइश ग्रे भी होता है। तो इसी तरह से ग्रे में आप ब्लैक और वाइट मिक्स करने से जैसे हमारा ग्रे कलर बनता है, उसमें तो कभी थोड़ा सा ब्लू मिक्स करिए और वो शेड अपने आप इसी कॉपी में आप बना के आप लिख सकते हैं कि ग्रे में ब्लू मिक्स करा है, या कई बार पर्पल में भी ग्रे मिक्स करिए तो वो भी डिफरेंट शेड बनता है। तो इस तरह से आप अपने पूरे आप जितने चाहे आप उतना के शेड्स बना के आप उसकी लेबलिंग कर सकते हैं, आप उसमें लिख सकते हैं कि आपने कौन कौन से शेड मिक्स करे हैं। तो इस तरह से जितना आप खुद करेंगे उतना ही आपके लिए ये सब बहुत इजी लगेगा। बाकी याद रखना सब कुछ नहीं होता,
इतना इजी। और एक एडवाइस मैं और देना चाहूँगी कि अगर आप वाटर कलर यूज़ करते हैं और आपके पैलेट में कुछ कलर बच जाते हैं तो आप प्लीज़ उन्हें फेंका ना करिए, आप उन्हें रख लिया करिए या रैप कर दीजिए ताकि उसमें डस्ट ना आए। और जब भी आप दोबारा कुछ पेंटिंग बनाते हैं या अपनी कुछ क्रिएटिविटी करते हैं तो आप उन्हीं कलर्स में कुछ और मिक्स करके देखिए, कुछ नया मिलेगा आपको। तो आप ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करिएगा कुछ, और यही सारे जितने भी कलर स्कीम बनती है सेम यही चीज़ एक्रेलिक में भी बनता है, लेकिन अभी सीखने के लिए आप वाटर कलर ही यूज़ करिएगा क्योंकि ये सूखने के बाद दोबारा आप ट्राई कर सकते हैं। तो आप सब प्रैक्टिस करिएगा, आप सबको बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।